सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन, म्यूचुअल फंड रिपोर्ट, मार्स पब्लिक ऑफर, इक्विटी आईपीओ, कैपिटल मार्केट ट्रेड, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो तीसरे नंबर पे न्यू स्कीम आ रही है ना, न्यू स्कीम पे स्लिप करके अगर आपको लमसम करना है यानी कि एक बार में ही पैसे लगाने हैं तो नॉर्मल परचेज पे जाना है, ठीक है ना। नॉर्मल परचेज पे जाके आपको ये सिलेक्ट एएमसी वगैरह है तो इसमें जैसे जोन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना है, इतनी सारी कंपनियाँ आ रही हैं, आदित्य बिरला, एक्सिस, एचडीएफसी, आईआईएफएल, ये सारी आ रही है ना। तो यहाँ पे कोई एक सिलेक्ट आपको कर लेना है, उसके बाद सिलेक्ट टाइप करना है कि डेब्ट में करना, इक्विटी में करना, हाइब्रिड में करना, अदर्स में, फिजिकल एसेट में। डेबिट का मतलब होता है सरकारी पैसा, इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट, हाइब्रिड का मतलब होता है कि 80% इक्विटी में, 20% डेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट स्कीम सिलेक्ट करना है, जैसे मैं आपको इक्विटी के लिए बोलता हूँ तो इक्विटी के फिर ऑप्शन आ जाएगा, इसमें ग्रोथ आएगा, डिविडेंड आएगा। डिविडेंड का मतलब होता है कि आपके फायदे को आपको दे देना, ग्रोथ का मतलब होता है वो पैसा भी री इन्वेस्टमेंट करना, तो हमेशा ग्रोथ को ही सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको नेक्स्ट जाना है और आपको जैसे मैंने ये डीएसपी म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करा और मैं इक्विटी में, ग्रोथ में गया, नेक्स्ट गया, तो यहाँ पे इसकी स्कीम्स आ जाएंगी। जैसे कि ये देखिए इतनी सारी स्कीम्स हैं इसकी चल रही हैं अभी, तो आपको इसमें से मैं अभी तो फ़िलहाल जैसे आपको मैं बोलता हूँ कि अलग अलग है, तो इसमें आप निफ्टी 50 ले लो, ठीक है ना। ये 50 जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसकी इक्विटी में लगाएगा, तो यहाँ पे ये हमने सिलेक्ट कर लिया। तो इसमें कम से कम आपको मिनिमम 500 रुपये आपको लगाना है, ठीक है ना, और 500 के गुने में ही आपको आगे करना है। तो जैसे कि मैंने 500 रुपये अमाउंट ले लिया, एक ही ले लिया, ठीक है ना। ये आपसे पूछेगा कि भाई कब तक के लिए लगाना है, ठीक है, कितने दिन के लिए लगाना है, तो आप नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे पेमेंट मोड पूछा, सेलेक्ट पेमेंट मोड, NFT करना है, UPI करना है या अपना ऑटोमेटिक करना है। तो जैसे आप NFT करना चाहते हो तो RTGS कर दो, सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और उसके बाद मेरा पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है, या फिर आपको NFT नहीं करना है तो HESS कर लिया, तो HESS भी मेरा जैसे सिलेक्ट है, ठीक है। ये यहाँ पे मैंडेट वगैरह सब लगा हुआ है और इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको जितना करना है, जैसे मैं 500 रुपये कर रहा हूँ और नेक्स्ट कर दिया मैंने, ठीक है। तो और यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को सिलेक्ट करके कंफर्म कर दिया। तो ये देखो लिखा है परचेज ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली और ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, डिटेल्स आर बिलो, ट्रांजेक्शन नंबर दिस, मैंडेट नंबर ये, द एग्जीक्यूटिव सब्जेक्ट स्टॉक एक्सचेंज। अब मार्केट जब खुलेगी वो पैसा मेरे अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। ये वाला तो हो गया लमसम वाला, ठीक।